आप गूगल करके देखिएगा, 54% कश्मीर पर विदेशी लोगों का कब्जा है, केवल 46% कश्मीर है जिसे छाती ठोक कर हम कहते हैं हमारा कश्मीर। लेकिन मेरा विषय वो 54% कश्मीर है, 46% नहीं है। जिनकी वजह से आज आक्रमण हो रहे हैं, जिनकी वजह से उग्रवादी आते हैं, जिनकी वजह से आतंकवाद फैला हुआ, जिनकी वजह से मेरे देश के वीर तिरंगा ओढ़ कर घर आ जाते हैं साहब। मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ, उजियारे की उत्कंठा की हर निपखर बाती में, कितने घाव किए हमने ही भारत माटी छाती में, क्यों आखिर नेतृत्व देश का समझौतों में हार गया, कितने गाफिल निकले हम वो घर में घुस कर मार गया, कायरता की काली पोती वीरों के बलिदानों पर, कितने शूल सजाए हमने फूलों के गुलदानों पर, अरे कुल्हाड़ी मारी हमने खुद अपने ही पांव पर, लाल बहादुर खोया हमने ताशकंद के भाव, जिस डाली पर बैठे थे, जिस डाली पर बैठे थे हम उसको खुद ही काट लिया, और नेहरू जिन्ना बनकर हमने भारत मां को बांट दिया। आजादी की तस्वीरों में लाल लहू की धारा है, भलाई आपको इतना सुंदर कार्यक्रम सैल्यूट है आपको इस बात से, आजादी की तस्वीरों में लाल लहू की धारा है, भारत माँ का मस्तक हमको प्राणों से प्यारा है। यार इस पंक्ति में जोश रखो, अगर ये पंक्ति अगर जोश में आपने नहीं सुनी ना तो मैं सच कह रहा हूँ ये सपना रह जाएगा। 9 वर्षों से इस कविता का पाठ हर मंच से करता हूँ, और इसलिए करता हूँ कि जब बड़े बड़े काम हो गए, असंभव से असंभव काम जब हो सकते हैं, तो क्या ये बड़ी बात है कि वो 56% कश्मीर हमारे भारत में नहीं मिल सकता? बढ़िया बात है, वाह। अच्छा आप पूछ रहे कि क्या हो गए बड़े काम, मैं बता देता हूँ चार पंक्तियों में। कलुष क्षेत्र के विशिष्ट वृक्ष को त्वरित उखाड़ दिया हमने, 7 दशक से जमी गर्द को पल में झाड़ दिया हमने, गांव गली तक अमर तिरंगा झंडा गाड़ दिया हमने, गांव गली तक अमर तिरंगा झंडा गाड़ दिया हमने, और दफा 370 वाला पन्ना बदल गया है। इसलिए सावचेत करना चाहता हूं, 2024 में बताया यार, जब 400 थी तो 400 थी, 400 से 40 हुई तो कोर्ट पर जनेऊ आ गई थी, अब 99 हुई तो हिंदू हिंसक हो गया। माफ करना, हम प्रताप का स्वाभिमान वो हल्दी घाटी भूल गए, पूज्य पद्मिनी के जौहर की वो परिपाटी भूल गए, भूल गए हम कृष्ण चंद्र ने वैश्विक वंश मिटा डाला, रामचंद्र ने रक्ष कुलों का पूरा वंश मिटा डाला, 5 गांव की खाते हमने महाभारत कर डाला था, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल को स्वर्णिम से भर डाला था, छक्के छूट गए अकबर के राणा के हुंकारों से, अंग्रेजों को धूल चटा दी झांसी की तलवारों से, जलियांवाला बाग सरीखे बलिदानों को भूल गए, जलियांवाला बाग सरीखे बलिदानों को भूल गए, याद करो हम हंसते हंसते फांसी पर भी झूल गए। माइक कितना अद्भुत है यार, लाजवाब, कमाल है, बहुत शानदार। मैं पिछले साल आया था, पिछले साल से ये वापस इस कार्यक्रम में आया हूँ, लगभग 70-75 कार्यक्रम मैंने पढ़े होंगे, ऐसा माइक गोरखपुर के लवा बनी ना है, इसको लेके जा बाहर खड़वा दे, राजा कवि सम्मेलन होते माइक तो तुम्हारा ही लगना चाहिए, इसको लेके जाएंगे कभी गुलामी की जंजीरें कभी भाग की रात से, एक सदी के कालखंड में बेशक झंझावात से, अवरोधों ने रुद्ध किया पर कदम हार कर रुके नहीं, इंच इंच कट गए युद्ध में शीश हमारे झुके नहीं। यार बड़ी पंक्ति थी, मुझे उम्मीद थी बड़ी पंक्ति थी, मैं बताता हूँ आपको, आप भूल जाते हैं, 2 सैनिकों के मस्तक काटे गए, हेमराज का मस्तक लौट कर वापस हिंदुस्तान नहीं आया, तत्कालीन सरकारों ने कुछ नहीं किया तो उस मां ने तय किया कि वह आमरण अनशन करेगी, 5 दिन तक अन्न जल का त्याग करके अनशन पर बैठी रही,
एक पत्रकार ने पूछा उस माँ से, माँ जब तुमने बेटे को देश की सेना में भर्ती करा दिया तो क्या आवश्यकता तुम उसके मस्तक को पाने के लिए अनशन करती? उस माँ का जवाब सुनना था, उस माँ ने कहा, बेटा मैं जानती हूँ कि जिस दिन मैंने उसको सेना में भर्ती कराया था उस दिन उसके प्राण मैंने देश पर न्योछावर कर दिए, लेकिन आखिर तो उसकी माँ हूँ, 9 महीने तक इस कोख में मैंने उसका पालन पोषण किया है, क्या बलिदान के बाद शहादत के बाद एक माँ को उसके मस्तक बेटे के मस्तक को चूमने का अधिकार नहीं मिला? कमाल है। पत्रकार दिल्ली था, थोड़ा और मुखर होकर सुनना, पत्रकार दिल्ली था, पत्रकार ने कहा, माँ तुम्हें मस्तक मिल गया तो क्या कर लोगी? माँ ने कहा, बेटा उसका मस्तक मैं मेरे लिए नहीं चाहती थी, अरे मैं तो ये देखना चाहती थी कि देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसकी प्रकृति का तनाव कैसा था, देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसके जबड़ों की कसावट कैसी थी, देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसकी आंखों में उतरे हुए खून की लालिमा कैसी थी, वो देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे पुकारों से अमृत घट में काल कूट विष घोल गया, एक सबोला शिव शंकर के बाहुबल को तोड़ गया, 100 करोड़ का मौन देश में बोल हमारी खोल गया, उस संसद में एक बदतमीज हिंदू को हिंसक बोल गया, आए, आए। सही बोल रहे। मैं केवल ये समझना चाह रहा था कि मुझे क्या पढ़ना है, मुझे समझ आ गई मुझे क्या पढ़ना है। जब वतन की है सीता जी, आप तो बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आपने कार्यक्रम को बहुत ऊंचाइयां प्रदान किया, हमारी माँ कमाल है आपका। जब वतन की है सीता जी, डोल भी हो लक्ष्य होकर, शब्द शब्द से लक्ष्य का संधान कविता है सुनो, और क्षीर सागर के मथन से गर्व का प्राकट हो, तब शिष्ट के कल्याण हित विश्वांग कविता है सुनो, मान सुनो ये धर्म का ही जब अधर्मी गिद्ध बनकर, धर्म रक्षा के स्वरों का मान कविता है सुनो, और सागरों के शांत जल में द्वार का उन्माद भरकर, शब्द शक्ति जागरण अभियान कविता है। संगम अभियान में मैं सनातन धर्म का प्रहरी योगेंद्र अक्षर का अभिष्ट अनुष्ठान करता हूँ, धर्म निरपेक्ष नहीं धर्म निरक्त होकर समस्त धर्म मजहब का अभिन्न मान सम्मान करता हूँ, राष्ट्र की चरण वंदना में अभिव्यक्ति के पुरस्कार शब्द बुद्धि की अनिष्ठा ध्यान करता हूँ, और अत्यंत अनुद्धत भाव से नत शीर्ष होकर विद्वत मन सहित गोरक्षनाथ की धरती पर विराजमान तमाम देशभक्तों के चरणों में हल्दी घाटी की माटी का प्रणाम निवेदन करता हूँ। मेरी कविता शब्दों का सोने श्रृंगार नहीं है, और मेरी कविता छंदों की मीठी रसधार नहीं है, भाई साहब कुछ पंक्तियां आपके लिए भी है, मेरी कविता शब्दों का सोना श्रृंगार, आप यहां नहीं बैठे होते तो शायद मेरा ध्यान नहीं जाता, माफ करना, बहुत मेरी कविता शब्दों का सोना श्रृंगार नहीं है, मेरी कविता छंदों की मीठी रसधार नहीं है, मेरी कविता प्यासे भंवरों की गुंजार नहीं है, और मेरी कविता सावन की मधोश बहार नहीं है, मेरी कविता हंसी ठिठोली का व्यापार नहीं है, काव्य वंश की मर्यादा का कारोबार नहीं है, मेरी कविता सामंतों का वंदन हार नहीं है, और हंस देश में चिस्त परोशी का दरबार नहीं है, मेरी कविता ओल भरी भाषा के द्वार खड़ी है, भूषण दिनकर की जोड़ी पर पहरेदार खड़ी है, मेरी कविता समझौतों की शर्तों से इनकार करेगी, अवरोधों की चट्टानों से टकरा कर टकराव करेगी, मेरी कविता खुददारी से युद्धों को स्वीकार करेगी, कुरुक्षेत्र में कौरव दत्ते कुल का कुल संहार करेगी, मेरी कविता भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतिकार करेगी, और मेरी कविता भारत मां की जय जयकार करेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये पीछे के लोग जो हाल खड़े करके ताली बजाकर मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, आपका बहुत आभारी भैया, मेरी कविता वीर शहीदों का बलिदान कहेगी, भारत माता के अंतस का स्वाभिमान कहेगी, विश्व गुरु के सिंहासन का गौरव गान कहेगी, और वंदे मातरम के अर्थों में अद्भुत धाम कहेगी, मेरी कविता भोले शंकर का विश्वांग कहेगी, सागर तट पर कुपित राम का शव संधान कहेगी, कुरुक्षेत्र के मध्य पार से गीता ज्ञान कहेगी, शब्द शब्द में
मेरी कविता हिंदुस्तान रहेगी। उसने तो संसद में बयान देना था, दे दिया, माफ करना। आग लगा ली साहब पूरे विश्व में, पूरे विश्व के हिंदुओं ने सोचा कि हमारे लिए हिंसक शब्द का प्रयोग कर दिया है। तमाम जहां हिंदू लोग कम संख्या में रहते हैं, पहले दिन से उनके अंदर भय व्याप्त हो गया, और जहां वो लोग ज्यादा रहते हैं, ये बांग्लादेश की हालत जो हो रही है। मैं यार चार पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूं, मुझे इजाजत है तो मैं पढ़ता हूं। शठे शाठ्यम समाचरेत की भाषा वाली बात करो। कवि का धर्म यह नहीं होता कि समस्या की तरफ ध्यान इंगित करें, कवि का धर्म यह भी होता है कि समस्या का समाधान प्रस्तुत करें। बेशक मैं इस समस्या का समाधान आपके माध्यम से, क्योंकि मैं जानता हूं ये कितनी महत्वपूर्ण धरती है, मैंने अगर यहां जिक्र किया उस समाधान का तो शायद लखनऊ के माध्यम से दिल्ली तक पहुंचेगा, ऐसी उम्मीद करता हूं। मुझे बताइए कि ऐसी उम्मीद करता हूं, ठीक करता हूं ना? पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। स्वागत है। सठे शाठ्यम समाचरेत की भाषा वाली बात करो। थोड़ा चैतन्य होकर बैठना मेरी कविता को सुनने के लिए, थोड़ा सा चैतन्य होना पड़ेगा। शिल्प है। सठे शाठ्यम समाचरेत की भाषा वाली बात करो। बर्बर होकर बर्बरता के घर में घुस कर घात करो। 56 इंची छाती है, 56 इंची सीना है, तो उनसे दो दो हाथ करो। जो हिंदू के साथ हुआ है रोहिंग्या के साथ करो। बिगुड़ी तान कर देखो, बिगुड़ी तान कर देखो, सारा वंश क्लेश सूख जाएगा। बिगुड़ी तान कर देखो, सारा वंश क्लेश सूख जाएगा। भारत मां के चरणों में ये बांग्लादेश झुक जाएगा। सिंहासन के सुनिगान में शब्द नहीं लिख सकता मैं, चाहे जितना मोल लगा दो कभी नहीं बिक सकता मैं। सत्य सनातन राष्ट्रवाद से कभी नहीं बिक सकता मैं। कायरता के गीत गजल और छंद नहीं बिक सकता मैं। सैनिक के साथ रहूंगा जो सीमा पर खड़ा हुआ है, देश के स्वाभिमान की खातिर फुर्दारी से अड़ा हुआ। लाखों सूल बिछा दो पथ में, एक कदम भी नहीं रुकेगा। घर घर आग लगा दो, चाहे एक शीश भी नहीं झुकेगा। कितने दीप बुझा दोगे तुम, कितने दीप बुझा दोगे तुम, नित्य नया दीप चलेगा। अब जो दीप प्रज्वलित होगा वो तूफान से भी नहीं बुझेगा। बहुत अच्छे। 5 दिन पहले घटना घटित हुई साहब, आतंकवादी हमले में कैप्टन दीपक शहीद हो गए। 5 दिन पहले, केवल रक्षाबंधन के 5 दिन शेष, कैप्टन दीपक शहीद हो गए। उनकी बहनों के हाथों की राखियां हाथों में रह गई। वो जब घर पर बात करते थे तो कहते थे कि मैं बटालियन में आराम करने जा रहा हूं, जबकि वो बहुत खतरनाक मिशन पर हो गए। पहली बार ऐसा हुआ, हमेशा झूठ बोला होगा जनरल में उन्होंने, होगा जब वो झूठ बोलकर गए कि मैं आराम करने जा रहा हूं, एक खतरनाक मिशन पर गए, बलिदान हो गए। देश में दूसरी बार घटित घटना है, एक शहादत मेरे राजस्थान की हुई। आपने अजय आहूजा का नाम निश्चित रूप से सुना होगा, करगिल के युद्ध का पहला शहीद, पहला बलिदानी जो राजस्थान की धरती कोटा से था, उसके साथ भी यही हुआ। उस समय भी रक्षाबंधन के लिए वो घर आया हुआ था छुट्टी पर, लेकिन करगिल में घुसपैठ हुई तो उसकी छुट्टियां निरस्त हो गई, उसको सीमा पर जाना पड़ा। उसके मन में एक बार आया कि भाई 8-9 वर्ष हो गए मैं वहीं रहता हूँ, तो जब भी रक्षाबंधन आता है मैं आ नहीं पाता हूँ, कभी तुम्हारे हाथ से राखी नहीं बंधवा पाया। तो उस बहन ने कहा, भैया राखी के त्यौहार तो आते हो जाते रहते हैं, आज भारत माता की रक्षा का त्यौहार आया है, जाओ सीमा से चले।
बलिदान है। अजय आहूजा का बलिदान हुआ, रक्षाबंधन के दिन सुबह उनका पार्थिव शरीर कोटा आता है, तिरंगे में लिपटा हुआ उनका शरीर, वो बहन राखी की थाली लेकर, रोली की थाली लेकर बाहर निकलती है। बहन के मन के भाव जागृत होते हैं। बहन कहती है, भैया अगर मैं कह देती कि भैया बीमारी का बहाना कर लो, चार दिन बाद चले जाना, पांच दिन बाद चले जाना, रक्षाबंधन आ रहा, तो शायद तुम्हारी जान बच जाती है। मैं ऐसा महसूस करती हूँ जैसे तुम्हारे बलिदान में मेरा योगदान हो गया है। तब उस पार्थिव देह से आवाज, पार्थिव देह से आवाज आती है, बहन मैं भी शायद भटक गया था, मैं भी तुम्हारे प्यार में अंधा हो गया था, मैं भी राखी बंधवा कर जाना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे जागृत कर दिया। मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि जब कोई मुझे मनुष्य जन्म दे तो तुम्हारे भाई के रूप में दे दो। हार मनाने से संवेदना को जिस प्रकार से आप सुन रहे हैं, मेरा मन कर रहा है एक कविता मैं आपको सुनाऊंगा, कुछ पंक्तियां और पढ़ता हूँ। मैं सैनिक के साथ रहूंगा जो सीमा पर खड़ा हुआ, देश के स्वाभिमान की खातिर खुददारी से अड़ा हुआ, लाखों शूल बिछा दो पथ में एक कदम भी नहीं रुकेगा, घर घर आग लगा दो चाहे एक शीश भी नहीं झुकेगा, कितने दीप बुझा दोगे तुम, नित्य नया दीप जलेगा, अब जो दीप प्रज्वलित होगा तूफान से भी नहीं बहुत अच्छे, उस दीप ज्योति की ज्वाला लेकर लंका दहन शुरू होगा, तारुण्यता की ताकत से भारत विश्व गुरु होगा। और तीन रंग का वस्त्र नहीं, ये ध्वजा देश की शान है, वतन परस्ती श्रद्धा शक्ति संबल स्वाभिमान है, यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है, और तीन रंग में रंगा हुआ ही अपना ही हिंदुस्तान है। यार आज जब से कभी लोग आए ना, तो वैसे हमारे आने का क्रम जारी रहा। भाई शिवम को जिम्मेदारी दी गई कि हम सबको जहां स्टेशन आना है या एयरपोर्ट आना तो हमको रिसीव करे। तुम गौरवशाली हिंदुस्तान, इतिहास तुम्हारे कदमों में, बहुत अच्छा लगा मुझे, यही सब बहुत बढ़िया लगा मुझे। देखिए हमारे मित्र लोग कहते हैं कि जो देश की पुलिस के लोग बैठे हैं, वर्दी के लोग, कर्तव्य के लोग बैठे हैं, चार पंक्तियां इनके लिए भी कहना चाहता हूं। मेरे हास्य के मित्र कहते हैं कि जो पुलिस किसी की नहीं सुनती वो भी कविताएं सुन रही है। इनके सम्मान में चार पंक्तियां इसलिए कहता हूं कि संसद के हमले के वक्त यदि नौ लोगों ने, नौ वर्दियों ने अपनी जान पर खेलकर संसद की मर्यादा का रक्षण नहीं किया होता तो विश्व में हमारी नाक कट गई होती। नौ लोगों के बलिदान को सैल्यूट भी करता हूं और चार पंक्तियां इनके लिए कहता हूं। देशभक्ति की रागों से बनती है वर्दी, वर्दी यूं नहीं बनती है साहब, देशभक्ति की रागों से बनती है वर्दी, देशभक्ति के धागों से बनती है वर्दी, राष्ट्रगीत के रागों से बनती है वर्दी। वर्दी कोई साधारण प्रवेश नहीं है, ये समाज है जिनकी रक्षा के लिए लोग अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। आपकी तालियां चार पंक्तियां पूरी करता हूं, चौथी पंक्ति पर आकर सारी तालियां इनके सम्मान में उठे निवेदन करता हूं कि देशभक्ति के धागों से बनती है वर्दी, राष्ट्रगीत की रागों से बनती है वर्दी। वर्दी कोई साधारण परिवेश नहीं है, वर्दी कोई साधारण गणवेश नहीं है, जलते हुए चिरागों से बनती है वर्दी, जलते हुए चिरागों से बनती है वर्दी। बहुत आभार, बहुत आभार, काफिया जोरदार लगाया है, वाह वाह वाह। कुछ लोग बड़े बड़े पदों पर बैठे होते हैं ना, वो भी जब नीचे उतरते हैं तो कहते हैं कि ये धरती हमारे रहने के लायक नहीं है। एक उत्तर इस बांग्लादेश के प्रकरण ने दिया, वो हसीना
पूरे विश्व में 57 देश तो उसके फुटके थे, कहीं भी जा सकती थी, लेकिन सबसे सुरक्षित उसको। भाई कमाल की बात है, बहुत बढ़िया बात है, भारत लगाया है। जबकि यहां बैठे हुए बड़े बड़े पदों पर, बड़े वैधानिक पदों पर, बड़े जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग जब नीचे उतरे तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान हमारे रहने के योग्य नहीं है। बहुत अच्छा। मैं योगी आदित्यनाथ जी की धरती पर खड़ा हूं और चार पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। एक महर्षि का नाम इन चार पंक्तियों में आएगा। मुझे लगता है कि ब्रह्मा के गाद से जब 37 ऋषियों का प्रादुर्भाव हुआ उसमें एक ऋषि वो भी था जिसका नाम मैं लेने जा रहा हूं, सुनिएगा। और आपने अगर इन चार पंक्तियों को समझा तो मैं कविता की तरफ बढ़ूंगा, निवेदन करता हूं। हल्दी की गांठ मिली जिनको चूहे पंसारी पर बैठे, हल्दी की गांठ मिली जिनको चूहे पंसारी पर बैठे, उपराष्ट्रपति इस भारत में हामिद अंसारी पर बैठे। बहुत अच्छे। आतंकवादियों के साथ बैठकर देशद्रोह की गतिविधियां करने वाला व्यक्ति 10 साल तक उपराष्ट्रपति बना रहा। हल्दी की गांठ मिली जिनको चूहे अंसारी पर बैठे, उपराष्ट्रपति इस भारत में हामिद अंसारी पर बैठे। सांपों को दूध पिलाने के अच्छे इल्जाम नहीं, सांपों को दूध पिलाने के एक भी हाथ खामोश रहेगा मुझे अच्छा नहीं लगेगा, रोकते रखो। सांपों को दूध पिलाने के अच्छे इल्जाम नहीं होते। ये जाति धर्म की बात नहीं, पर सभी कलाम नहीं होते। भाई बाबा कठिन सत्र के लिए भैया बोल अच्छे यार, आपने तो मेरा मन बना दिया है। मुझे लोग कहते हैं कि यार कविता पाठ में इतना क्रोध क्यों करते, पसीने पसीने हो जाते हो, क्रोध बहुत करते। आशीष जी अक्सर कहते हैं लेकिन क्या करें, शीश वतन का खतरे में हम इससे भी अनजान नहीं, गीदड़ या बकरों से डरती शेरों की संतान नहीं। बेटा यार सैल्यूट है। तुलसी ने लिख डाला भय बिन प्रीत नहीं हो सकती है, तुलसी ने लिख डाला भय बिन प्रीत नहीं हो सकती है, और युद्ध घोष के बिना हमारी जीत नहीं हो सकती। सीमाओं पर कदम बढ़ाना ही होगा। 527 की शहादत हुई करगिल के युद्ध में, और आंकड़े देखना पिछले 2-4-5 सालों को छोड़ दो तो 500 लोगों की शहादत केवल आतंकवाद को रोकने के लिए हो जाती थी। बढ़िया बात है। तब निवेदन कर रहा हूं मैं, क्योंकि हमने सीमाओं की रक्षा में 500 लाल खो दिए। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं सुनिए। तुलसी ने लिख डाला भय विपरीत नहीं हो सकती है, युद्ध ठान कर सीमाओं पर कदम बढ़ाना ही होगा। युद्ध ठान कर सीमाओं पर कदम बढ़ाना ही होगा। अरिमुंडों से चामुंडा का वक्ष सजाना ही होगा। जिस दिन भारत गीदड़ या बकरे की मुंडी काटेगा, पाक चीन के अमरीका भारत के तलवे कुछ आक्रोश की पंक्तियां और सुनाना चाहता हूं। मैं इसका पक्षधर हूं कि क्रोध भी कभी क्षम में है जब हेतु से परमार्थ हो। क्रोध करना बुरी बात नहीं है, हिंसा भी धर्म हो जाता कभी कभी। क्या बात है। जब सीमा पर खड़ा हुआ जवान, मैंने रात को ढाई बजे जब जवान वापस ड्यूटी करके पूरी करके जब नीचे आए तो मेरा कार्यक्रम होके दिखता था, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि वहां गोलीबारी बहुत हो रही थी। बोले साहब आज बहुत दिक्कत आई,
बहुत आक्रमण हो रहे थे। मैंने कहा यार तुम वहाँ गोली चलाते हो, किसी की जान ले लेते हो, कैसे कर पाते हो? तब उसने कहा साहब हम तो भारत माता की रक्षा का कार्य करते हैं, जान लेने का काम तो वही करता है जिसका काम है। वाह वाह वाह, मैंने तो कहा मैं आते और आपको इतनी ऊंचाई पर -16 टेम्परेचर में आपको ठंड नहीं लगती? बोला साहब अपनी रोटी के लिए काम करें ना तो ठंड लगती है, लेकिन भारत माता की रक्षा के लिए काम करते हैं तो हमको ठंड। मैं दो पंक्तियां पढ़ के देखना चाहता हूं कि आप उस कविता को सुनना चाहते हैं कि नहीं। अगर दो पंक्तियां वो आपने समझ ली तो मैं आगे बढ़ूंगा, सुनिएगा। हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, लेकिन अक्सर हार गए हम घर के ही गद्दारों से। भाई बाबा, अरे वाह, कुछ लोग आपस की बात में रह गए, उनका ध्यान नहीं गया मेरी तरफ, तो खामोश रहे उनके हाथ। मैं उन्हें समझा देता हूं कि इन पंक्तियों का अर्थ क्या होता है। एक चित्र बनाता हूं, भारत माता का चित्र बनाता हूं, सुनिएगा, शब्द चित्र है, सुनिएगा। कटते हुए वृक्ष से कुल्हाड़ी ने कहा वृक्ष तुम्हारी तो नियति ही कटना है, मैं जब तुम्हें काट रही हूं तो इतना दर्द क्यों हो रहा है? वृक्ष का जवाब सुनिएगा। वृक्ष ने कहा कुल्हाड़ी मेरे ही वंश का अंश जब मेरे विध्वंस का कारण बन गया हो और ये दंश मुझे मेरे छाती पर छेड़ना, ये जो हफ्ता तुम्हारा साथ दे रहा कुल्हाड़ी है ना जी, ये जो हफ्ता तुम्हारा साथ दे रहा कुल्हाड़ी, ये मेरे कुल की मेरे वंश की औलाद है। अगर तुम्हारा साथ नहीं देता तो तुम मुझे काट नहीं। हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, लेकिन अक्सर हार गए हम घर के ही गद्दारों से, इसीलिए दो मुल्क हमारी धरा दबाए बैठे हैं, सैनिक लोग दाली पौरुष की तरह दबाए बैठे हैं, भाल भाल की मांग है ये बस केवल कश्मीर नहीं, स्वाभिमान की स्वर्ग धरा है असुरों की जागीर नहीं, जहां मुखर्जी का बलिदानी घोष गूंजता नारों में, ब्रिगेडियर उस्मान दफन है भारती के गलियारों में, धरती पर लौह पुरुष की द्वारा उगाथा अंकित है और खंड खंड भूखंड जोड़कर भारत माता इनके व्यक्तम वाला यार आपने आज कई समय उनको बहुत ऊंचाइयां दे दी है। पाप चीन के व्यक्तम वाला, पाप चीन के कब्जे वाला, वो कश्मीर हमारा है, भारत माता मस्तक हमको प्राणों से बड़े बड़े लोगों की उपस्थिति है। मैं कोई फालतू बात नहीं करूंगा, सिर्फ कविता सुनाऊंगा। जब हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं तो वैसे भी मेरे को फालतू बात करने की क्या जरूरत है। अच्छा है।